नमस्कार, वेलकम टू एम के गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, परचों का धन्यकार करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कुछ बना रही हूँ, तो वीडियो को पूरे देखिएगा। और गार्डन सजाने के लिए है और आप भी बना सकते हैं, उससे गार्डन खूबसूरत लगता है फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ क्या बना रही हूँ। तो देख सकते हैं ये है कबाड़, जो अंडा इनमें से रख के आते हैं वही है ये। और इनमें से मैंने इस कैंची के मदद से मैंने कट किया हुआ है ये, इस तरह आपको ये कटोरी कट करनी है इस तरह से, ठीक। इस तरह से ये कट करनी है। तो एक बनाने में, मैं गुड़िया बना रही हूँ छोटी छोटी, तो एक बनाने में पांच लगती हैं फ्रेंड। तो मैं पांच पांच कट कर ली हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ पांच, आप लोगों को दिखाऊंगी कितने बना रही हूँ। तो कुछ तो आप इस आकार से कट कर लेना है और कुछ आपको ये वाला से कट कर लेना है, ऐसे यहाँ से कट करना है और कुछ ऐसे ये से ये कट करना है। तो मैंने कट कर लिया है, अब आगे का दिखाती हूँ क्या करती हूँ उसमें से। देखिए मैंने कट करके इनको सभी को ले आई हूँ। और आपको फ्रेंड करना है व्हाइट सीमेंट, इसमें व्हाइट सीमेंट करने से क्या होगा फ्रेंड कि ये हमारा जो पेंट हम करेंगे तो वो अच्छे से उभर करके आएगा, और दूसरी बात है बारिश में ख़राब भी नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए मैंने इसमें से व्हाइट सीमेंट घोल ली है, अब हम इसमें से पतला पतला लेप कर देंगे फ्रेंड, और इसके बाद फिर धूप में सुखा लेंगे इस तरह से। मैं कर लूँ फिर दिखाती हूँ, ओके। देख सकते हैं फ्रेंड मैंने इनमें से व्हाइट सीमेंट कर दिया है, अब ये थोड़ी सूख जाए, सूखने के बाद अब कागज़ है थोड़ी टाइम लगेगा, सूखने के बाद मैं इसमें करूँगी कलर, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं इनमें से कौन सा क्या कलर कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये सब करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, लेकिन जब ये बन के कम्प्लीट हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई, फिर अच्छा बहुत लगता है फ्रेंड। तो हमें ये छोटे छोटे जो डेकोरेट है गार्डन के लिए वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा लगता है और हमारा गार्डन थोड़ा देखने में खूबसूरत लगता है फ्रेंड, है ना। तो थोड़ी क्रॉप्ट और थोड़ा ये कबाड़ का जुगाड़ ये सब तो करना ही पड़ता है फ्रेंड, और ये सब कबाड़ से तो है, आप लोगों ने तो देखा है कि ये कागज़ है एक तरह से, और उसी का ही मैंने कट किया हुआ है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा सूख जाए। और देख लीजिए मैं छत में ही हूँ, 2 बज रहे हैं अभी दिन में, और छत में बैठी हूँ, अब थोड़ी ये सूख जाए फिर मैं इनको लेकर के नीचे जाऊँगी, फिर इनमें से करूँगी पेंट। तो आप लोग वीडियो को बने रहिएगा और देखिएगा कैसे क्या बन रहा है, ओके। करके रेडी हो गए हैं, अब मैं इनमें से करूँगी पेंट। तो देखिए 2 में मैंने येलो कलर कर दिया है, बाकी ये रहे मेरे पेंट, और मैं इनमें सभी में पेंट करूँगी, फिर उसके आगे का दिखाऊंगी। उसके आगे मैं कैंड से इनको सेट करती हूँ और कहाँ पे बैठाती हूँ, ठीक है। तो बन कन के रेडी हो गया फ्रेंड, पेंटिंग मैंने कर दी है, इस तरह से पेंट कर दिया है। और देखिए ये इनका फेस है ये, बस बाकी इनको सेट करना है और अभी थोड़ी पैर बनाना है फ्रेंड। बहुत टाइम लगता है बनाने में, एक इनको सुखाने में बहुत टाइम लगता है। देखिए सारा दिन आज धूप ही में बैठी रह गई मैं, और थोड़ी ये सूख जाए फिर इनको सेट करती हूँ मैं। अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड, आप लोग बताइएगा आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मैं सभी को पेंट करके नीचे लेकर आई हूँ, और मैं इन सभी को अब सेट कर रही हूँ कि कैसे कैसे इनको सेट करना है। तो आप लोग देखते जाइए, जैसे जैसे मैं इनको टच कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी लगा करके, और इनमें से होल करना है, और होल करने के बाद आपके पास या सूत का हो या फिर सुतरी हो तो उससे मदद से आप इनको सभी को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में नोट लगा देनी है आपको, और इसके बाद देखिएगा सुंदर से डॉल बन के तैयार हो जाएगी।
फिर इसके पायल बनाने के लिए इसी तरह आपको धागा लेना है, और धागा के बाद आपको करना क्या है, छोटी छोटी से या तो पुट्टी की मदद से या फिर कंसील की मदद से आप उसमें पैर बना सकते हैं। तो इस तरह से बन करके रेडी हो जाएगा। ये ऊपर का हिस्सा है, अगर आपको कैप को गोल रखना है तो गोल भी कर सकते हैं, और इस तरह से कट भी करना है तो कट भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कट कर दिया था, आप लोगों को जैसे पसंद आए आप लोग वैसे ही बना सकते हैं। और मैं इसको टच करके और ये वीडियो मैंने अपनी बच्ची से कहा इसकी रिकॉर्डिंग कर लो, तो वही कर रही थी तो सही से कर नहीं पा रही थी, लेकिन कर दिया है उसने जैसे भी उसे बना है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये टच करना भी दिखा देती हूँ। तो उसे जा ही नहीं रहा अभी। अरे इसमें अच्छे से आप इस सूजा की मदद से या और किसी की मदद से आप इसमें से होल कर सकते हैं। जैसे अच्छे से होल हो जाएगा तो अभी तक नहीं जा पा रही है, अब चली ही जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरह मैंने कर दिया है। तो इस तरह आप सुंदर डॉल बना सकते हैं, और पूरी अभी कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये है सुंदर डॉल मेरी बन के रेडी हो गई, कैसी लगी आपको? अभी सारी बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड फाइनली बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब देर किस बात की, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। फ्रेंड बड़े मेहनत के बाद बन पाया है, और सारे दिन की मेरी मेहनत लगी उसमें से। 12 बजे के बाद दूसरे मीटिंग की पूरे दिन की मेहनत है फ्रेंड, आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कितने मुश्किलों से बना पाई हूँ। फ्रेंड ये होता है ना, जो हम ठान लेते हैं तो किसी ना किसी तरह से बन ही जाता है। पर फ्रेंड सारा दिन आज मैं धूप में बैठी रही इनके लिए। तो चलिए मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो ये बैठे हैं वो जोड़ी, कैसी लगी आपको? फ्रेंड अभी हैंग करने के लिए कुछ नहीं है, झूला के लिए तो मैं ऐसे ही बना दी हूँ। अब जैसे गार्डन सजाएंगे तो फिर मैं रख दूँगी। तो अभी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, देखिए इसको इस तरह से मैंने इनके पैर बनाए हुए हैं, और तीन तीन आपको काटना है और एक इस तरह से शेप देना है, बस एक एक टोपी के जैसे। फ्रेंड मेरे पास पर्याप्त इतने ही कलर थे तो मैंने इसी तरह बना दिया है। और ये दूसरा देखिए, अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? कैसे लग रहे हैं? ये येलो कलर का देखिए, बाय बाय कर लो। ये सभी नाराज हैं आज, कह रहे हैं हमको धूप में तुमने परेशान कर दिया, इसलिए ये नाराज है। देखिए किस तरह से सभी बैठे हुए हैं, और कैसे लग रहा है फ्रेंड? फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये बना पाई हूँ। तो आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो आप लोग कमेंट बताइएगा, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। और देखिए मैंने पहले वीडियो में दिखाया है, सुतरी से मैंने इनको हैंग किया हुआ है, और ये गर्दन को मैंने फेविकोल से चिपकाया है। तो आप भी ऐसे करिएगा, और यहाँ भी नोट लगाई हुई है, और ये नीचे पैर मैंने ये भी वॉल पुट्टी से मैंने बनाए हुए हैं। ये सुतरी से हैं और नीचे वॉल पुट्टी है। आप लोग वॉल पुट्टी या फिर जो कैंसिल आती है पाइप वाइप की लगाने वाली, उससे भी बना सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास नहीं था। जो मेरे पास था उसी से मैंने बनाया है, पूरा कबाड़ का जुगाड़ है फ्रेंड, सब कुछ कबाड़ से ही बनाया। और देखिए एक इसको बनाई हुई हूँ, लेकिन ये ऐसे ही फटवट गए थे तो मैंने कहा क्यों फेंकूँ, उसको भी बना लेती हूँ। तो मैंने इसको भी ऐसे बनाया है, कहीं पर ऐसे रखी रहेगी फ्रेंड। तो ये आप लोगों को कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और सारा दिन आज आपसे बता दो फ्रेंड, झूठ नहीं बोल रही है, आज सारा दिन मैं धूप में पहले इनको फिंट की, फिंट सीमेंट वाला की सीमेंट पोती, उसके बाद फिर मैंने इनको सुखाया, बैठी थी यहीं छत पर। जब ये सूख गए तो फिर मैंने छत पर ही पेंट किया हुआ है। जब पेंट सूख गया तब फिर मैं इनमें से इस तरह से
सभी को सेट की हूँ, जोड़ी हूँ, फिर भी अभी तक फ्रेंड छूटा नहीं है। देख लीजिए मेरे हाथों में किस तरह से लगा हुआ है। तो सारे दिन फ्रेंड इसी में लगी थी और बड़ी मेहनत के बाद बना पाई हूँ। और फ्रेंड क्या है ना, कुछ करो और बनाओ तो अच्छा लगता है और खुशी मिलती है कि चलो हमसे कुछ ना कुछ बन गया फ्रेंड, है ना। खुशी मिलती है कि चलो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बना तो थोड़ा बहुत तो मेहनत किए हैं तो बन ही गया। तो हम कोई भी चीज़ हो या कोई भी कार हो, हम परेशान ना हो, लगे रहें फ्रेंड, लगे रहें, किसी ना किसी दिन तो कामयाबी मिलेगी ही। तो यही सोचकर मैं भी लगी हुई हूँ कि चलो कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। बस यही सोचकर मैं हर चीज़ करती रहती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि कब क्या होगा। बस जो आता है, जो वीडियो में अच्छा लगा वो बना देती हूँ, पर बट आप लोगों को अच्छा लगे, मैं कुछ ना कुछ कबाड़ से या अपने गार्डन से, प्लांटों से संबंधित वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो करिएगा। और मेरी पूछे तो मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, लेकिन अपने प्लांटों में लगी रहती हूँ, सब घर का काम करते हुए, बच्चे संभालते हुए, और सारा दिन धूप में इन प्लांटों के पास बैठी रहती हूँ और इन्हीं के पास, क्योंकि और कोई है जो किससे बातें करे फ्रेंड। अगर किसी से दो चार बातें हो गई तो फ्रेंड लड़ाई का झगड़ा होता है कि किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने ऐसा कह दिया। और फ्रेंड कोई किसी का है भी नहीं इस दुनिया में। अगर किसी का समय बिगड़ा है तो कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सब मतलब के हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, बस आप ही का ही सहारा है। और एक दूसरे के सपोर्ट के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, या फिर हमारी किस्मत अच्छी हो तभी हो सकता है, पर मुझे तो पता फ्रेंड मेरी किस्मत ही नहीं अच्छी है। पर जिसकी किस्मत अच्छी होती है तो एक ही वीडियो डाले और देखिए वीडियो वायरल हो जाती हैं और तुरंत चैनल भी उनका चल उठता है। लेकिन हमने तो बहुत सारी वीडियो डाली भी है लेकिन कोई वीडियो भी नहीं उठ रही अभी तक। मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन लगे हैं यही सोच कर कि चलो कभी ना कभी तो फल मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से यही है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मेरे गार्डन में, मेरे चैनल में आप लोगों को जो भी चीज़ें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बना ही लेती हूँ, चाहे मुझे सामान कहीं से भी मिले। फ्रेंड ये जो बनाने का है, मैं बहुत दूर से इनको लेकर आई थी क्योंकि यहाँ मांग रही थी, कोई दे ही नहीं रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन मैं काफ़ी दूर से एक भैया फिर मिले, उनसे मैंने कहा, फिर उन्होंने भगवान हो गए तो उन्होंने दे दिए, लेकिन ये कबाड़ भी कोई देने को तैयार ही नहीं है इधर, तो दे दिए हैं वो। फाइनली मैं लेकर आई हूँ वहाँ से और फिर इसको बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, बस यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मेरे चैनल में जो भी मेरे द्वारा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी बनाइएगा। और हमारे घर में कुछ ना कुछ देखिए पड़ा ही रहता है, निकलता ही रहता है, तो उससे भी हम कुछ ना कुछ बना ले। और अगर हम एक दूसरे के वीडियो नहीं देखेंगे जब तक, तो किसी का चैनल ग्रो होने वाला नहीं है। सभी एक दूसरे के सपोर्ट के बगैर सभी अधूरे हैं। और हम एक दूसरे की वीडियो देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो उनने कुछ बनाया तो हमें भी जानकारी मिलती है और हम भी बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। और कहीं ना कहीं बहनों के चैनल से कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। और हमारे चैनल में अगर कोई भी भाई या बहन आ करके एक वीडियो में लाइक कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि चलो किसी ने तो ऐसा लिख के भेजा कि चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया आपने। अगर भले ही उनको अच्छा ना लगे लेकिन वो कमेंट अच्छा कर देते हैं तो सुकून मिलता है कि चलो अच्छा है। तो हमें और भी अच्छा लगता है कि हम और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वीडियो में एक भी व्यूज़ नहीं आते तो फिर मन उदास हो जाता है और कुछ करने का मन ही नहीं करता। और पता है आप लोगों को एक एक व्यूज़ हमारे लिए कितना मायने हैं। तो प्लीज़ बाय बाय, लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड।
थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। बाय बाय, लव यू। और ये मेरी वीडियो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, और मेरी वीडियो की ये कामयाबी ना देखते हुए मेरी बातें आप लोग ज़रूर सुनिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय, लव यू।